हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका सिंह एक बार फिर से स्वागत करती हूँ चंद्र आईडिया के यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को कॉनिकल हेड रिवेट बनाना बताऊंगी कि किस तरीके से आप लोग कॉनिकल हेड रिवेट बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इसकी डायमेंशंस देख लेते हैं कि इसकी कौन कौन सी डायमेंशंस हैं जो हमें कॉनिकल हेड बनाने में काम आएंगी। तो जैसे सबसे पहले हम इसका डाया लेंगे, तो डाया बराबर आप कुछ भी ले सकते हैं जैसा कि मैं पिछली वीडियो में बताती आ रही हूँ। और इसका एंगल जो होता है वो 60 डिग्री होता है। इसकी जो दूरी है ये है 0.125D है। इसी तरीके से यहाँ से और जो इसकी दूरी है, ये जो यहाँ पे राउंड शेप है, इसकी जो दूरी है ये 0.8D है। इसके बाद जो हल्का सा ऊपर इसका जो राउंड करना है, ये इसका जो अलग से इसकी डायमेंशन है, तो इसकी जो डायमेंशन है वो 0.25D है। और इसकी जो विड्थ है ये 1.6D है। और चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं अब इसके बाद हमको कैसे बनाना है इसको। तो फ्रेंड्स, कॉनिकल हेड रिवेट बनाने के लिए सबसे पहले हमको इसकी डायमेंशंस देखनी है कि हमको किस तरीके से निकालनी है। तो यहाँ पर डी बराबर मैंने 30 mm लिया हुआ है जैसा कि पिछली वीडियोस में लेते आ रहे हैं। इसका एंगल 60 डिग्री होता है। 0.125 को अगर जो हम डी बराबर 30 इससे अगर जो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल कर आएगा, हो जाएगी यहाँ पर 3.75 हो जाएगी। तो यहाँ पे ये mm हो गया। इसी तरीके से 0.8D बराबर है, तो इसको हम 0.8 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 24 mm हो जाएगा। तो इस तरीके से 0.25D को जो है हम अगर जो इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगी 7.5 mm हो जाएगी। इसी तरीके से 1.6D है, तो इसको हम 0.6 को डी से 30 से अगर जो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगी हमारी 48 mm हो जाएगी डायमेंशन। इसी तरीके से 1.5D है, तो 1.5 को डी बराबर 30 है, तो 30 से अगर जो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो गया हमारा 45 mm। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक 30 mm की लाइन ड्रा करेंगे, क्योंकि डी बराबर आपने 30 mm लिया हुआ है, तो इसलिए हम यहाँ पे डी बराबर एक 30 mm की लाइन ड्रा करेंगे। थर्टी एम की लाइन ड्रॉ करने के बाद इसका सेंटर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे सेंटर लाइन ड्रॉ करना है। थोड़ी सी बड़ी सेंटर लाइन बनाएंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, आपको जितनी बड़ी रिवेट बनानी है उतनी दोनों ओर लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। तो ये आप कुछ भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे 30 mm ही ले रही हूँ रिवेट, क्योंकि रिवेट देखने में अच्छी लगनी चाहिए आपकी, क्योंकि इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। नीचे से आप इसको कट करके भी दिखा सकते हैं। इस तरीके से देखते हैं इसका जो एंगल है वो 60 डिग्री का है, तो देखते हैं इसको किस तरीके से निकालते हैं। इसको आपको अपने सेट स्क्वायर को प्रोटेक्टर को इस तरीके से सेट करना है कि जो पॉइंट टू पॉइंट जो कॉर्नर्स हैं ये यहाँ पे 60 डिग्री निकलना चाहिए दोनों ओर से, एक इनर स्केल से भी और आउटर स्केल से। तो जैसा कि आप यहाँ पर अभी देख रहे हैं कि पॉइंट टू पॉइंट 60 डिग्री यहाँ पर बन रहा है कोण, तो इस तरीके से यहाँ पर हम एक टिक लगा लेंगे। ये इधर भी 60 डिग्री पर एक टिक ले लिया और इधर भी एक 60 डिग्री पर टिक ले लिया। तो इस तरीके से 60 डिग्री का टिक लेने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है। तो लाइन यहाँ पे 3.75 की ड्रॉ करनी है, तो आप 3.75 की ना ड्रॉ करके लगभग 4 mm की लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि 7.5 mm इसमें नापने में प्रॉब्लम होगी, तो 4 mm की लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोनों ओर से आप 4 mm की लाइन ड्रॉ कर लीजिए। तो इस तरीके से यहाँ पे 4 mm की लाइन ड्रॉ करने की बात क्या करेंगे, यहाँ पे 1.6D जो है ये 48 mm है, तो इसको सेंटर से 0.5 mm हाफ इधर और हाफ इधर ले लेंगे। मतलब ये इसको अगर जो हम दो से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 24, तो 24 सेंटर से हम 24 एक साइड और 24 दूसरे साइड लेंगे। तो आप इस तरीके से जो आपने लाइन ड्रॉ किया है उसी के पैरेलल आपको इस तरीके से लाइन ड्रॉ करनी है। तो यहाँ से 24 एक साइड और 24 एक साइड।
तो इस तरीके से लाइन ड्रॉ करने के बाद में क्या करना है, अब आपको यहाँ से 24 mm ऊपर जाना है, क्योंकि 24 mm ऊपर जाना है इसलिए क्योंकि यहाँ पे 0.8 की जो डायमेंशन निकाली थी ये 24 mm निकल कर आई थी। तो यहाँ से हम, जहाँ से आपने लाइन ड्रॉ की यहाँ से 24 mm हम ऊपर जाके एक टिक ले लेंगे, एक कहीं पर भी एक पॉइंट ले लेंगे। तो इस तरीके से 24 mm पे एक पॉइंट ले लेंगे। यहाँ पे पॉइंट लेने के बाद में क्या करना है आपको, सेम जो सर्कल, जो आपका हाफ सर्कल बनेगा क्योंकि कॉनिकल हेड रिविट है, इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, नीचे की ओर हम 24 को जस्ट दो गुना हम नीचे की ओर लेंगे, तो 24 का जस्ट दो गुना हमारा हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो हम नीचे भी एक 48 mm की दूरी पे वहीं से जहाँ से आपने 24 mm की डायमेंशंस ली थी ऊपर की ओर, वहीं से हम 48 mm की नीचे एक टिक ले लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे पॉइंट ले लिया। अब पॉइंट लेने के बाद में आपको कंपास की सहायता से, अब कंपास में आपको दूरी लेनी है कितनी, 45 mm, क्योंकि यहाँ पे जो कॉनिकल हेड है, जो उसका कर्व बनेगा, ये 1.5D है दिया हुआ है, तो ये 45 mm निकल कर आई थी। तो कंपास में आपको 45 mm दूरी लेनी है। तो इस तरीके से कंपास में 45 mm की दूरी लेने के बाद में आपको एक टिक लेना है, यहाँ पे इस तरीके से आर्क लगाने हैं दोनों साइड में। और ऊपर से टिक आपको कहाँ से लगाना है, जो 24 mm की जो दूरी पे जो पॉइंट लिया था, यहाँ से आपको एक इस तरीके से आर्क लगा लेना है, क्योंकि यहीं से आप अपना कॉनिकल हेड बनाएंगे। इस तरीके से लेने के बाद आपको क्या करना है, ये दो आर्क हमको मिल गए हैं। अब यहाँ से आपको इस पॉइंट पे अपने कंपास को रखना है, और जितनी भी दूरी आपको ये जो आपने लाइन ड्रॉ किया है 48 mm की, यहाँ से इस तरीके से आपको ड्रॉ कर लेना है। तो ये थोड़ा थोड़ा छोड़ देना है, क्योंकि ऊपर का जो आर्क है वो दूसरा, उसकी डायमेंशन दूसरी है। तो इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। इसके बाद ऊपर जो दूरी दी हुई है, वो दूरी दी हुई है 0.25D दी हुई है, मतलब 7.5 mm दिया हुआ है। तो अब हम यहाँ से ये जो आपने 24 mm की दूरी ली थी, यहाँ से 7.5 mm ऊपर जाएंगे और एक आर्क ले लेंगे, एक पॉइंट लेंगे वहाँ पे 7.5 mm की दूरी पे। तो यहाँ पे मैंने 7.5 mm की दूरी पे एक पॉइंट ले लिया है। पॉइंट लेने के बाद में अपने कंपास में 7.5 mm की दूरी लेंगे, और इसके बाद आपको आर्क बनाना है। तो जैसे कि मैंने अपने कंपास में 7.5 mm की लगभग दूरी ले ली है, अब आपको यहाँ पे आर्क बनाना है, क्योंकि 7.5 mm की दूरी ली है और यहाँ पर भी जो दूरी है वो 7.5 mm की ही दूरी है लगभग। तो आप इस तरीके से इसको, जो आपने थोड़ा थोड़ा छोड़ रखा था, इस तरीके से आपको इसको मिला देना है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से कितना अच्छे से कॉनिकल हेड रिविट जो है वो बनकर कंप्लीट हो गया है। तो इस तरीके से आपका जो कॉनिकल हेड रिविट है वो बनकर कंप्लीट हो गया है। इसका जो नीचे का पोर्शन है, इसको फ्रेंच कर्व की सहायता से आप यहाँ पे इसको दिखा सकते हैं, कि ये कटे हुए भाग को प्रदर्शित करता है। मैंने आपको इससे पहले भी बताया और फिर बता रही हूँ। इसमें हम हैचिंग लाइंस ड्रॉ कर देते हैं। इसकी जो डायमेंशंस है वो डायमेंशंस मेंशन कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से कॉनिकल हेड रिविट की डायमेंशंस दिखा सकते हैं। यहाँ पे 60 degree है और ये डी बराबर यहाँ पे दिखा दिया। इसकी जो दूरी है ये 1.25D यहाँ पे मेंशन कर दिए। 0.8D जो इसकी दूरी है ये यहाँ पे दिखा दिया है। इसी तरीके से जो दूसरा, जो आपका कर्व बना हुआ है यहाँ पे, इसकी जो दूरी है 0.25D यहाँ पे दिया हुआ है। इसकी जो विड्थ है ये 1.6D यहाँ पे दिया हुआ है। और जो आपका कॉनिकल बना हुआ है, जो इसका राउंड शेप है, ये 1.5D आप यहाँ से मेंशन कर सकते हैं। तो आप इधर से भी दिखा सकते हैं और दूसरे साइड से भी दिखा सकते हैं।
फ्रेंड्स, तो आप इस तरीके से कॉनिकल हेड ड्रिविट बनाना बहुत आसानी से सीख सकते हैं। बस इसकी डायमेंशंस आपको याद करनी पड़ेंगी, तो इसे जब एक दो बार बनाएंगे तो आपको इसकी डायमेंशंस बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। फ्रेंड्स, अगर जो आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको हमारी अगली वीडियोज़ मिलती रहें। धन्यवाद।